नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में स्वागत है। तो बात करते हैं हम लोग आज की करंट अफेयर की, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस मॉडल को लागू करने संबंधी दिशा निर्देशों को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका आपका राइट आंसर है सामरिक भागीदारी मॉडल। तो इसका राइट आंसर ए वाला, सामरिक भागीदारी मॉडल, जिसमें आपका अगर बात करें इसकी तो रक्षा मंत्री ने अत्याधुनिक जो हथियार सिस्टम होते हैं, जो अत्याधुनिक हथियार प्रणाली के निर्माण में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाए गए सामरिक भागीदारी मॉडल को लागू करने से संबंधित दिशा निर्देशों को मंजूरी प्रदान की है। बात करें क्वेश्चन नंबर टू की, उच्च स्तर शिक्षा में प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए किस एजेंसी का गठन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। तो सरकार ने उच्च स्तर में शिक्षा में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए 188 परीक्षा संगठन यानी कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी NTA का गठन किया है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थ्री की, किस देश से लिया गया कर्ज चुकाने में पाकिस्तान को IMF बेल आउट पैकेज दिए जाने की बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर है किस देश से, तो चीन से, क्योंकि चीन से लिए गया कर्ज या चुका पाने में असमर्थ पाकिस्तान को IMF बेल आउट पैकेज दिए जाने के लिए अमेरिका में बहस जारी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार की, भारत सरकार ने किस देश की सरकार से PNV लोन डिफॉल्ट मामले के प्रयुक्त आरोपियों में से एक मेहुल चौकसी को गिरफ्तार करने के लिए कहा है। तो इसका राइट आंसर है एंटीगुआ। तो भारत ने जो है एंटीगुआ देश की सरकार से PNV लोन डिफॉल्ट मामले में प्रमुख आरोपी जो है मेहुल चौकसी, जिसका आप लोग पिक्चर देख रहे हैं यही है मेहुल चौकसी, को अरेस्ट करने को एंटीगुआ सरकार से कहा है। बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव की, ICC ने हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों और स्टाफ के लोगों के बकाए का भुगतान करने के लिए फंड जारी किया है। तो इसका राइट आंसर है जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड। ICC ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ी और स्टाफ के लोगों के जो बकाया जो भुगतान है उसके लिए फंड जारी किया है। दरअसल बोर्ड ने तय समय में भुगतान नहीं कर पाने के बाद ICC से मदद मांगी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सिक्स क्वेश्चन की, कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित सावो गेम्स में 29 जुलाई 2018 को कौन सा पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर है आपका स्वर्ण पदक जीता। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा जो कि 20 साल के हैं, इन्होंने फिनलैंड में आयोजित सावो गेम्स में 29 जुलाई 2018 को स्वर्ण पदक जीता। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है पहले भारतीय नीरज चोपड़ा ने क्या, कहाँ पर अभी जो हमारी प्रतियोगिता हुई है कहाँ पर ये स्पर्धा हुई है, तो वहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ लेना है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है स्वर्ण पदक जैवलिन थ्रो का जो नाम है व्यक्ति का वो है भारतीय जो हमारे नीरज चोपड़ा, और जो गेम कहाँ आयोजित हुआ था तो फिनलैंड में। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर लोगों को जारी किया। तो 60 वर्ष हो गए, ठीक है। इसका राइट आंसर 60 वर्ष। नासा यानी कि बात करें नासा की, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना भारत की आज़ादी के करीब 11 वर्ष बाद 29 जुलाई 1958 को हुई थी। तो नासा ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर लोगो जारी किया। बात करते हैं किस मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक बच्चों और महिलाओं से दुष्कर्म संबंधित मामलों में सुनवाई के लिए देश में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की ज़रूरत है। तो ये है आपका कानून मंत्रालय, इसका राइट आंसर है। तो कानून मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक बच्चों और महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म संबंधित मामले होते हैं उनकी सुनवाई के लिए देश में कम से कम 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की ज़रूरत है। बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 29 जुलाई। तो 29 जुलाई को क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो बाघ के जो प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना और बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि टेंथ क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई 2018 को किस शहर में आयोजित ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप में हिस्सा लिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका लखनऊ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप में हिस्सा लिया, यह केंद्र सरकार की शहरी विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण पहलों की सालगिरह है। तो आई होप आप लोगों को आज की करंट अफेयर पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई करंट अफेयर के साथ, जिसमें हम आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी करंट अफेयर देने की कोशिश करते रहेंगे। और भी हमने कई टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पर बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल फिर इसी एक नई करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।